हेलो दोस्तों, आज हम रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके लिए अपने ने दो दो कॉन्टैक्टर लिए हैं और एक रिले और तीन पुश बटन। ठीक है दोस्तों, जिसमें से दो NO है, दो NO पुश बटन और एक NC। ठीक है दोस्तों, और एक अपनी ये कंट्रोल पावर के लिए MCU2 पोल। ठीक है दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। पहले हम कंट्रोल पावर से ये MCB से इनपुट ले लेते हैं। ये हमने दोस्तों MCB के आउटपुट में कनेक्ट कर लिया है पावर के लिए। ये अपनी जो वायर कनेक्ट इसमें रिले के NC पॉइंट में कनेक्ट कर देते हैं दोस्तों। ये अपना 95 और 96 NC पॉइंट है दोस्तों, 97 98 ये जो है ये NO। ये हमने दोस्तों अपने रिले के NC कॉन्टैक्ट के इनपुट में कनेक्ट कर दिया है। अब एक बार इसके आउटपुट में कनेक्ट कर लेते हैं। ये NC के आउटपुट में जो कनेक्ट होगी दोस्तों, इसको हम NC पुश बटन में, ठीक है दोस्तों, दो पुश बटन में उसमें कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमारी NC पुश बटन में वायर कनेक्ट हो गई है। अब हम दूसरी वायर दोस्तों अपनी NO पुश बटन के लिए कनेक्ट कर देते हैं। इसके आउटपुट में ये अपना NO पुश बटन, ये NC पुश बटन के आउटपुट में अपने ना NO पुश बटन कनेक्ट कर लिया दोस्तों ये वायर। ठीक है दोस्तों, अब हम NO पुश बटन के आउटपुट में एक वायर कनेक्ट करते हैं दोस्तों, और जो अपना ये फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर जो यूज़ करेंगे दोस्तों, उसके A1 में कनेक्ट कर देते हैं। ये अपनी A1 में कनेक्ट होगी दोस्तों। अब हम दोस्तों एक वायर का टुकड़ा अपने NC कॉन्टैक्ट के आउटपुट से में कनेक्ट कर लेते हैं। अपना NC उस बटन के आउटपुट में कनेक्ट कर लिया दोस्तों। अब हम इसको ये जो कॉन्टैक्टर के ब्लॉक रहता है दोस्तों, NO ब्लॉक, उसमें कनेक्ट कर देते हैं इसको। ये अब हमने दोस्तों इसके NO कॉन्टैक्ट में कनेक्ट कर लिया है। अब एक जो ये इसके आउटपुट में यहाँ A1 में कनेक्ट कर देंगे दोस्तों, इधर ये दोनों वायर इकट्ठी। ठीक है दोस्तों, कर लेते हैं। ये हमने दोस्तों ये NO ब्लॉक के से वायर आउटपुट से हमने A1 में कनेक्ट कर लिए दोस्तों। अब हम अपना जो रिवर्स स्टार्टर बनाएंगे दोस्तों, इसका रिवर्स कॉन्ट्रैक्टर कनेक्ट करते हैं इसमें। अब हमने दोस्तों जो NC पुश बटन है उसके आउटपुट में एक और वायर कनेक्ट कर लिया है, ये अपने रिवर्स जो स्टार्टर बनेगा उसके लिए। हम इसके NO कॉन्टैक्ट में इसको टाइट कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ये वायर दोस्तों NC के आउटपुट से हमने एक NO पुश बटन में कनेक्ट कर लिया है। अब इस NO पुश बटन के आउटपुट से दोस्तों ये NO पुश बटन के आउटपुट में दोस्तों ये अपना जो रिवर्स के लिए जो कॉन्टैक्टर यूज़ कर रहे हैं उसके A1 में कनेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ये अपना यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं। अब हम दोस्तों ये जो अपना NO पुश बटन है रिवर्स कॉन्टैक्टर के लिए स्टार्ट के लिए लगा रहे हैं ऑन करने के लिए, इसके इनपुट में एक वायर कनेक्ट कर लेते हैं होल्डिंग के लिए। ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ कनेक्ट कर लिया है इनपुट में, और अब इस वायर को दोस्तों जो रिवर्स कॉन्टैक्टर है दोस्तों उसकी होल्डिंग के लिए अपना ऊपर जो कॉन्टैक्टर के साइड में ऊपर में जो NO ब्लॉक है दोस्तों उसने लगा देते हैं अपने। इसमें हमने
ऊपर में लगा रखे हैं। ठीक है दोस्तों, ये टाइट हो गया, कर देते हैं इसको। ये अपने एनो ब्लॉक से आउटपुट में दोस्तों कनेक्ट कर देते हैं एक वायर। ये A1 में कनेक्ट करते हैं दोस्तों। ये हमने दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर के A1 में कनेक्ट कर ली है एनो ब्लॉक से, अपने होल्डिंग के लिए दोस्तों। इसमें भी ये जो लगे होल्डिंग के लिए। अब हम न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे दोस्तों, न्यूट्रल की कॉन्ट्रैक्टर के साथ इंटरलॉक करेंगे दोस्तों। और इंटरलॉकिंग के लिए हमने दो NC पुश बटन ना पुश, ये NC जो ब्लॉक है कॉन्ट्रैक्टर में ऊपर में लगा देते हैं दोस्तों। ये NC ब्लॉक है दोस्तों दोनों इंटरलॉकिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों हमने जो न्यूट्रल लिया है MCB से इसमें कनेक्ट कर लिया है। अब हम इसको जो NC ब्लॉक लगाया है कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर उसमें टाइट कर देते हैं दोस्तों। ये दोस्तों रिवर्स कॉन्ट्रैक्टर के NC में कनेक्ट किया है। अब इससे हम वायर एक आउटपुट में इसके ये NC ब्लॉक के रिवर्स कॉन्ट्रैक्टर के NC ब्लॉक से हम जो अपना ये कॉन्ट्रैक्टर का A2 है उसमें कनेक्ट कर देंगे दोस्तों। ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्टर के A2 में कनेक्ट कर दिया दोस्तों न्यूट्रल के लिए। ये देखिए दोस्तों, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्टर के A2 में कनेक्ट किया दोस्तों। ये A2 रिले के ऊपर ही है, यहाँ एक वायर है उसको हमने कनेक्ट कर दिया, ये A2 यही बन गया। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों इंटरलॉकिंग है अपनी। जैसे ये अपना रिवर्स कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेट होता है तो दोनों कॉन्ट्रैक्टर एक साथ में ऑपरेट ना हो, अगर पुश बटन गलती से दोनों दब गए तो ना हो, एक बार में एक ही कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेट हो इस करके। अब इसके लिए भी इंटरलॉकिंग कर लेते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये जो अपनी MCB से न्यूट्रल जो आया है ये NC ब्लॉक में लगा है, इसी से हम इस कॉन्ट्रैक्टर के लिए न्यूट्रल उठाएंगे दोस्तों। यहाँ इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने इसके ये जो अपना न्यूट्रल आया है इसके पैरेलल में इसको जोड़ दिया यहाँ। और ये जो अपना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्टर है उसके NC ब्लॉक में कनेक्ट कर दिया। अब हम NC ब्लॉक से एक वायर कनेक्ट करते हैं अपनी ये NC ब्लॉक के आउटपुट में, ये अपने कनेक्ट कर ली दोस्तों। और ये जो है दोस्तों, ये वायर अपनी कनेक्ट होगी ये रिवर्स कॉन्ट्रैक्टर के A2 में। ठीक है दोस्तों, यहाँ ठीक है दोस्तों, ये अपनी कनेक्ट होगी इधर। और ये दोस्तों जो इंटरलॉकिंग बनाई है ये इसलिए है कि एक बार में एक ही कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेट हो, अगर दोनों कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेट हो जाते हैं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा अपना, इस करके इंटरलॉकिंग देनी पड़ती है इसमें। ठीक है दोस्तों, ये इंटरलॉक है। चलिए दोस्तों इसको स्टार्ट करके देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, अपना ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेट होगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया ऑपरेट। अब इससे बंद कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारा ये जो पुश बटन है ये रिवर्स का है, ये रिवर्स का है दोस्तों, ये देखिए आप। ठीक है दोस्तों, ये काम कर रहा है सही। ठीक है दोस्तों, अब हमारा रिवर्स कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेट है दोस्तों। अगर हम इंटरलॉक के इसलिए है, अगर गलती से ये फॉरवर्ड वाला अगर पुश बटन प्रेस हो जाए तो अपना ये कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेट नहीं हो पाए। देखिए अभी अपना रिवर्स ही कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है दोस्तों। और जैसे ही हम इसको स्टॉप दबाते हैं फिर दबाएंगे तो फिर काम करेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये अपना रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर कंट्रोल वायरिंग है दोस्तों। ये पावर वायरिंग अगली वीडियो में दिखाएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए हमारे चैनल इलेक्ट्रिक गुरु। जय हिंद।